नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मीन राशि और मीन लग्न के जातक के लिए वीडियो है। शुक्र तुला राशि में जा रहे हैं, शुक्र तुला राशि में जा रहे हैं। 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक शुक्र तुला राशि में रहेंगे, तो इसका प्रभाव मीन राशि के जातक पे क्या पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, जो भी है क्या पड़े वो देखेंगे समझेंगे, बने रहेगा। तो जो बताने वाला वो होकर ही जाने वाला। एक बात बिल्कुल साफ बोल दूं, जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दुनिया में जितने मीन राशि वाले हैं सबके साथ वही हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को शुक्र बता देता हूँ कि आपके शुक्र कैसे हैं, हथेली पे समझा दूं कि आपके शुक्र कैसे हैं। क्योंकि बहुत से लोग आते हैं ये है तो वैसा है, ज्ञानी पुरुष आते हैं मेरे साथ नहीं हुआ तो इनके साथ नहीं हुआ, कमेंट करके चले जाते हैं, उनके लिए ही है। तो अब आपको ये देख लीजिए, अगर ये हिस्सा उठा हुआ है तो शुक्र अच्छा है, साफ सुथरा है तो शुक्र अच्छा है, दबा हुआ है तो शुक्र खराब है, और कहीं अगर ऐसे कटा पिटा देखा है मतलब शुक्र आपके खराब है। अब देखिए कि आपके शुक्र अच्छे हैं या बुरे हैं, अब देखिए, अब सुनिए। तो मीन राशि के जातक के लिए है तो यह आठवां घर का इम्पोर्टेंट रोल रहा। 18 सितंबर के पहले किसी थर्ड पार्टी या थर्ड व्यक्ति के कारण से आपको नुकसान हुआ, कोई लाइफ में तीसरे व्यक्ति के कारण से या कुछ गुप्त तरीके से या अचानक से लाइफ में कुछ परेशानियां आपको आए जो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत दिया, साफ साफ बात, ठीक, ये एकदम क्लियर है। ठीक, अब क्या होगा 18 सितंबर के बाद से, क्या होगा 18 सितंबर के बाद से, ये होगा कि जिनका भी ये हिस्सा उठा हुआ है और साफ सुथरा है वो सुने, 18 सितंबर के बाद से आपके आठवां घर अच्छा हो जाएगा, मतलब क्या, शुक्र यहाँ पे आ जाएंगे ना। तो जो भी ऐसी उलझन ऐसी समस्या जो अचानक से आ गई थी ना वो सॉल्व हो जाएंगे। जैसे अचानक से कभी कुछ समस्या आ जाती है जिसका उम्मीद भी नहीं था, किसी की तबीयत खराब हो गया, कोई थर्ड पार्टी ने बहुत दिक्कत में डाल दिया या कुछ लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी हो गया, तो अचानक से प्रॉब्लम का जो आता है ना तो वो अब आपका सॉल्व होगा। अगर ये उठा हुआ है साफ सुथरा है तो 100% आप उससे बाहर निकल जाएंगे, 100%, बशर्ते ये उठा हुआ हो और साफ सुथरा है। तो अगर आपके लाइफ में अचानक दिक्कत आया है तो 18 सितंबर के बाद से वो दिक्कत 100% आपके लाइफ से चला जाएगा, और समझिए कि स्वास्थ्य में अगर दिक्कत है उससे भी आपको राहत मिलेगा। बाकी आपके कुंडली में कहाँ बैठे हैं, क्या बैठे हो तो कुंडली देखने के बाद ही मालूम चलेगा। व्हाट्सअप कर सकते हैं कुंडली दिखवाना, कुछ आप दिशा आप देख करके आप कुंडली दिखवा सकते हैं। वीडियो चल लाइक या सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।